वंदे मातरम। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। मैं मध्य प्रदेश का प्रथम आधिकारिक पर्वतारोही और एवरेस्ट विजेता हूँ। इसके साथ में मुझे ये सौभाग्य मिला कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम साहसिक खेलों के लिए मध्य प्रदेश का सर्वोच्च विक्रम पुरस्कार दिया गया वो मुझे मिला। और मेरे साथ हमारे मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र पाठी जी बैठे हुए हैं। और हमेशा जीवन को बहुत लाइट अंदाज में, चूँकि एक युवाओं को अगर मैं मैसेज देता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो धरती है जिसने राजा रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। मैं सतना का रहने वाला हूँ और वहाँ सतना से निकल के दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत तक का जो मैंने सफ़र तय किया उसके बीच में न जाने कितनी अनगिनत समस्याएँ आईं, लेकिन उन समस्याओं को फेस करते हुए आगे बढ़ना, कभी हार ना मानना, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना, हमेशा ये भाव रखना कि क्या हुआ अगर आज सूर्यास्त हो गया तो कल फिर सूरज उगेगा, कल जो सूरज उगेगा वो आपका होगा, और बस उस भाव को मन में रख के आगे बढ़ना। और हमेशा मतलब एक प्रेरणा के तौर पर जब मैं देखता हूँ तो जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ हमारे सतना चित्रकूट धाम में भारत रत्न नाना जी को हमने बचपन में देखा है, हमने उनको सुना है, उनसे प्रेरणा ली है। और अगर कई बार कहना ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि कैमरे के पीछे हमारी दीदी जिनको हमने बचपन से देखा है मार्गदर्शक नहीं है, प्रेरणा स्रोत है। न जाने हम जैसे कितने युवाओं को उनकी दशा दिशा सही इंटैक्ट करने में उनका अहम योगदान रहा है, ऐसी हमारी दीदी नंदिता पाठक जी। और जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसे लोगों से देखता हूँ तो मुझे लगता है हमारी जो पीढ़ी है ये आज अपने लिए तो अच्छा कर रही है, हम अपने देश के लिए अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारे देश का जो युवा है वो हमेशा एक बात ध्यान रखे, जो भी उसके दिल में हो, जो भी वो करना चाहे उसके लिए आगे बढ़े, बजाय ये सोचे कि कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा। बस आपको अपने विल पावर स्ट्रांग रखना है, अपना भाव अच्छा रखना है और महाकाल का नाम लेके आगे बढ़ते जाना है। यकीनन आप अपने देश का, अपने पूरे समाज का नाम रोशन करेंगे। जय श्री महाकाल।